एंड वेलकम टू होममेड। और इस बार है मेरी आंखों के तारे, मेरे राज दुलारे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले का जन्मदिन। जी हाँ, दिस टाइम इट्स अरहान्स बर्थडे। तो मैंने सोचा जब सबके बर्थडे पे इतना कुछ डीआईवाई किया जाता है तो अरहान के बर्थडे पे भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, होममेड। तो मैंने अरहान से पूछा, बच्चे व्हाट डू यू वांट ऑन दिस बर्थडे? कहता मामा मुझे तो टीपी टेंट चाहिए। मैंने कहा क्या टीपी टेंट? कोई गल नहीं, आ जा ऑनलाइन सर्च करते हैं। हमने किया ऑनलाइन सर्च और देखा कि टीपी टेंट तो जी 4,000, 5,000, 3,000 का बिक रहा है। मैंने कहा चल हट, क्या जरूरत है अभी टीपी टेंट ऑनलाइन ऑर्डर करने की, हम बनाएंगे टीपी टेंट आज घर में। और वो टीपी टेंट होगा एकदम होममेड। और टीपी टेंट के अलावा हमने बनाया है बर्थडे क्राउन, क्योंकि मेरा बच्चा आज 5 साल का हो गया है, तो उसके लिए हमने बनाया है 5 नंबर फॉर हिम टर्निंग 5। और की है बहुत सारी डेकोरेशन, तो आई होप यू लाइक दिस वन। तो सबसे पहले हमने बनाया अरहान के लिए क्राउन, तो उसके लिए हमने ब्लू कलर का चार्ट लिया क्योंकि बॉय है, ब्लू कलर तो उसे पसंद ही है। तो उस चार्ट पेपर को हमने हाफ में डिवाइड कर लिया, काट लिया इस तरीके से, और लिया स्केल, और स्केल की मदद से हमने डिमार्केशन करनी शुरू कर दी। एक पहले लाइन बनाई जो क्राउन का बेस बनाएगी, और थोड़ा सा ऊपर और करके एक और लाइन बनाई जिसपे हम ऐसे वेव्स बनाएंगे, जो अभी आप देखेंगे कि इस तरीके से हम वेव्स बनाएंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से हम वेव्स बना देंगे। उसके बाद हम वेव्स के बाद उसके ऊपर बनाएंगे सर्कल। पहले मैंने सोचा कि फ्री हैंड ही बना देती हूँ, फिर मुझे याद आया कि मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट तो भैया हूँ नहीं। वहाँ पे पड़ी थी एक बॉटल और उसका पड़ा था ढक्कन, मैंने उठाया ढक्कन क्योंकि मैं हूँ खुद भी एक ढक्कन, तो मैंने ढक्कन उठाया और ढक्कन से गोले गोले बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर सा आ गया, तो उसको हमने फिर सीजर की मदद से काट लिया ऐसे कट 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 कट, और बहुत प्रॉपर तरीके से काटने के बाद ये तरीके का जी स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हमने ऐसे राउंड करने ना, देखो जी ये बन गया हमारा क्राउन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने ये सिल्वर शाइनिंग सा पेपर लिया, उसकी ऐसे 1 सेंटीमीटर ब्रॉड मैंने ऐसे स्ट्रिप्स काट ली 3-4, और ऐसे हमने उसको स्टिक कर देना। ये देखिए ये स्टिक होने वाली थी, इससे कोई ग्लू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात थी इसकी। तो ये हमने इस तरीके से लगा दी स्ट्राइप्स, और स्ट्राइप्स लगाने के बाद इस पर थोड़ा ना ग्रेस आ गया, सिल्वर एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और ये इस तरीके से मैंने फिर साइज एकदम, क्योंकि अरहान को सरप्राइज सा देना था, रात के 1-2 बजे की बात है, तो फिर उसको उसके बाद हमने वो जो ऊपर गोले गोले बनाए थे ना ढक्कन की मदद से, तो वही ढक्कन की शेप के मैंने दोबारा से सर्कल्स बनाए और उनको ऐसे इन सर्कल्स के ऊपर लगा दिया। जो क्राउन है प्रॉपर एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन आ गया, और इस तरीके से हमने पूरा ये क्राउन तैयार कर लिया। अब बस इसको जोड़ने की बारी थी, एडजस्ट करने की बारी थी, तो अब हमने इसको जी कर लेना है एडजस्ट ऐसे रोली पोली करके, और स्टेपलर की मदद से हमने इसको जोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से ये है हमारा क्राउन तैयार। और नेक्स्ट आता है 5 नंबर, बिकॉज अरहान इज टर्निंग 5। तो जी ये डब्बा मैं ले आई थी, और डब्बे पे मैंने ऐसे पेन की मदद से 5 लिख लिया। आप सोच रहे होंगे लाल पेन यूज़ कर रही हूँ, क्या करूँ जी, टीचर हूँ तो लाल पेन मेरे पास होना लाजमी है। तो इस तरीके से मैंने 5 को बहुत ही कठिनाई से और मुश्किलों से ये 5 के 2 नंबर काटे। एक्चुअली मैंने 2 इसलिए काटे क्योंकि मुझे थोड़ी विड्थ ब्रॉड चाहिए थी, मुझे डब्बे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद मैंने ब्लू चार्ट पेपर लिया और ब्लू चार्ट पेपर से 5, पहले तो 5 दोनों को जोड़ा और उसके ऊपर ब्लू चार्ट पेपर। उसके बाद 5 को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वही सिल्वर स्ट्राइप्स मैंने ली, उसको लंबा लंबा काटा और ऐसे ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया, बॉर्डर बना दिया 5 का। तो ये 5 नंबर ही जी बड़ा ही ब्यूटीफुल सा बन गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा अगर मेरा प्रिंस चार्मिंग है तो प्रिंस चार्मिंग के लिए कुछ और भी तो होना चाहिए ना, तो 5 नंबर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये देखिए मैंने बहुत प्रैक्टिसेस के बाद ये एक नीले रंग का क्राउन बनाया। ये भी मेरे पास सिल्वर शीट में लेके आई थी, 10 रुपये की मेरे को ये पड़ी है, 10 रुपये की सिल्वर, 10 रुपये की ब्लू। तो ये क्राउन तैयार हो गया। ये आप देख रहे हो साइड पे जो वेस्ट पड़ा है वेस्ट, हाँ मेरे ना दिमाग में एकदम से ना आइंस्टाइन वाला बल्ब जला, मैंने कहा यार इसको भी यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट तो है ही है। मैंने उसके सर्कल काटे और ऐसे गोलू गोलू ऊपर नीचे सारा स्ट्राइप्स पे लगा दिया। अब देखो जी ये थोड़ी सी डेकोरेशन मैं करने जा रही हूँ, ये ना मैंने देखे थे ऑनलाइन तो मुझे बड़े सुंदर लगे, मैंने कहा ये खुद भी बना लूंगी मैं। मैंने चार्ट पेपर के 4 हिस्से किए सेम कलर के, फिर ना ऐसे फैन जैसे हम बनाते हैं ना अपसाइड डाउन ऐसे फोल्ड करना शुरू कर दिया, तो एक तरीके का जो हम बचपन में फैन बनाते थे वो बनाया। तो ये देखो फिर उसको बीच में से फोल्ड किया और ये देखो जी ये पंख सा बन गया। तो ऐसे मैंने 4 पंख सेम साइज के बनाए और उनको ऐसे फेविस्टिक की मदद से जोड़ दिया। फिर हम ये 4 के 4 जो हमने ऐसे पॉम पॉम से बनाए हैं इनको हम एक के साथ
एक के साथ एक जोड़ देंगे और ये सर्कल बन जाएगा जी। बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है, मैं आपको बता रही हूँ, आप जरूर ट्राई करो, बड़ा ही ईजी है। और ये अपने बच्चों के साथ आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती थी, मैंने सोचा था अरहान को दूंगी सरप्राइज, तो रात के 4 बजे तक बैठ के मैंने ये सब किया। बट हाँ, वो टीपी टेंट अभी तक नहीं बनाया था मैंने, सुबह उठ के बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैंने एक और बनाया, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू का चार्ट पेपर लिया, उसको हाफ में डिवाइड किया और फिर उसके 4 हिस्से किए और ये बड़े बड़े से फैंस बना दिए और बीच में से उसको हाफ करके ऐसे ये देखो ये पंखा सा बना दिया और यही चारों पंखे जोड़कर हमने एक सर्कल बना दिया। तो सुंदर लग रहा था ये, तो मैंने कहा इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। ऐसी वेली बैठी थी, मैंने कहा चल कर लेती हूँ, थकावट तो मुझे होती नहीं, उल्लू में हुई तो ये इस तरीके से 2 सर्कल्स बना लिए। उसके बाद हो गई सुबह, सुबह हो गई तो अरहान जाग गया, सरप्राइज़ की तो जय माता दी हो गई। फिर मैं आपको बताती हूँ टीपी टेंट, ये जी मैंने 6 लिए हैं, ये 35 रुपीज़ की PVC पाइप आई थी 10 फीट की, मैंने 2 ली हैं 70 रुपये की। उनमें किए होल्स, काफ़ी ऊपर मैंने ये होल्स किए, फिर उसमें स्ट्रिंग्स जो थी घुसाई। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने एरिया चूज़ किया, ये हमारी लॉबी का एरिया है। तो पहले तो मैंने अरहान की वो जो मैट है प्लेइंग मैट वो बिछाई, फिर ये ना अरहान के छोटे होते का गद्दा होता था जो उसके हम कॉट में बिछाते थे, तो वो गद्दा बिछाया। ये अरहान टंडन जी ला रहे हैं PVC स्टिक्स, ये 70 रुपीज़ की टोटल मुझे पड़ी है, ये 5 फीट की मैंने कटवा ली थी। तो ऊपर उसके बिल्कुल मैंने होल्स किए 4 और होल्स में रस्सी घुमाई और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखिए इस तरीके से क्या है कि स्ट्रॉन्ग बन जाता है। होल्स ज़रूर कीजिए, बिना होल्स के आप करोगे तो वो ना रस्सी इधर उधर होती रहती है। तो फिर ये जो गद्दे के ऊपर हमने बिछा दी चद्दर, तो ये चद्दर हमारे पास ऐसी एक्स्ट्रा सी पड़ी थी वेस्ट सी, और उसके ऊपर दोबारा से हमने लगाया डंडा। तो चद्दर ज़रूर बिछा लीजिएगा, क्योंकि चद्दर नहीं बिछाओगे तो फिर दोबारा से टेंट सारा स्ट्रक्चर उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ ब्लू में चाहिए था। तो ये ब्लू बेडशीट लीजिए हमने, उसको हमने हाफ में डिवाइड किया, उसका कोना पकड़ा और चक ऊपर दे मारा जी टेंट के, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसके, तो ये हमने ऊपर लगाया। अब इसको जी टाइट नॉट करने की बारी थी बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने सारे कॉर्नर्स इसके सील किए और कुछ कॉर्नर्स मैंने साइड की तरफ से गद्दे में भी सील किए। तो ये उसके बाद हमने अंदर बाद में ना ब्लू बेडशीट बिछा दी, वो लाल वाली जम नहीं रही थी, फिर अरहान के टेडीज वेडीज बनाए। ये देखो जी स्ट्रक्चर बन गया हमारा बड़ा बढ़िया सा। उसके बाद मैंने फेरी लाइट्स ली और फेरी लाइट्स लगाई, ये देखो जी ये फेरी लाइट्स ब्लू और वाइट कलर की इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्या ही बताऊं। ये हमारा टीवी टेंट मजेदार सा, ये देखो अरहान इज सो एक्साइटेड। उसके बाद हमने शुरू करी जी डेकोरेशन। तो ये जो डेकोरेशन का सामान है ना, ये आप देख रहे हो बर्थडे, ये बलून्स और ये ऐसा कर्टन, ये मेरे को सारा अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया, ये 324 का पड़ा है, आप भी कर सकते हैं, बड़ा ही सस्ता पड़ा है। तो ये हमने कर्टन लिया, कर्टन वॉल पे लगाया, उसके बाद ये बलून सारे फुलाकर, वो स्ट्रिंग और वो 5 नंबर और डेकोरेशन, ये देख रहे हो ये बड़ा मज़ेदार पार्ट है। ये बलून ना LED बलून्स हैं, तो ये हम लेके, ये हमें 65 रुपीज़ के 5 बलून्स पड़े हैं, हम 10 लेके आए थे। तो ये बड़े ही सुंदर सा, ये देखो प्रॉपर डेकोरेशन सारी हो गई है और हाँ जी बैठ के अपने टेंट में, मेरे को तकरीबन सबको करने में मुझे 3 घंटे लगे। और ये है केक, ये केक अरहान का बड़ा ही सुंदर सा। और उसके बाद हमने की अरहान की बर्थडे पार्टी और ये देखिए पूरा का पूरा डेकोरेशन सीन कितना सुंदर लग रहा है। अरहान इज़ वेरी हैप्पी, वो क्राउन, 5 नंबर और ये पूरी डेकोरेशन जी। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो और आप सब ये चीज अपने घर पे जरूर बनाएंगे और अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी को बनाएंगे एक स्पेशल वन, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टिल देन TTFN, टाटा फॉर नाउ। Hello everybody and welcome to Homemade. और इस बार है मेरे लाल पी। I hope you all enjoyed the video और ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के लिए। Hello everybody and welcome to